आज हम लोग बात करेंगे कि वीपीएन को कैसे चूज करना है, कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं एक वीपीएन को परचेज करने से पहले। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और मैंने रिसेंटली वीडियोस बनाए थे कि वीपीएन क्या होता है, क्यों हमें फ्री वीपीएन नहीं यूज करना है। अगर अभी तक नहीं देखें तो वो आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएंगे। नाउ, सभी पेड वीपीएन्स अच्छे नहीं होते हैं, तो अच्छे वीपीएन्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमें शॉर्टलिस्ट करना रहता है कि कौन कौन से वीपीएन अच्छे हैं। नाउ मैं एक सेपरेट लिस्ट बना दूंगा कि इंडिया में कौन कौन से अच्छे वीपीएन हैं, लेकिन अभी अगर आप लोगों को खुद से कभी चूज करना हो कि कौन सा वीपीएन अच्छा है कौन सा नहीं है, उसके लिए आप लोग ये सारे फैक्टर्स का यूज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है स्पीड का। अगर आपके वीपीएन में स्पीड नहीं आ रही है, कितना भी सिक्योर क्यों नहीं हो, कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, अगर उसमें स्पीड नहीं है तो वो वीपीएन भी किसी काम का नहीं है। तो स्पीड अच्छी आनी बहुत जरूरी है। ना वीपीएन यूज करते तो हम लोग कुछ परसेंट लॉस होता ही है, 20%, 30%, 40%, तो इतना आपका स्पीड का लॉस होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट 90% हो गया। तो अब आप लोगों को स्पीड कैसे पता चलेगी, ये आप लोग दूसरे के रिव्यूज देख सकते हैं कि उनको कितनी स्पीड मिल रही है। ना अगर आप लोग इंडिया में परचेस कर रहे हो तो इंडिया के ही रिव्यूज देखना, मतलब ऐसा मत देख लिया कि यूएस के रिव्यूज देख रहे हो, वो यूएस से यूएस का सर्वर ही एक्सेस कर रहा होगा, तो उससे वहाँ पे स्पीड अच्छी मिलेगी। अब मैं यहाँ पे इंडिया पे हूँ तो मैं पहले इंडिया से इंडिया के अपने सर्वर्स पे कनेक्ट होकर देखूंगा, अगर मुझे अच्छी स्पीड मिल रही है तो अच्छी बात है, वो स्पीड आप लोगों को भी यूजुअली मिलेगी। और फिर मैं इंडिया से जब यूएस पे जब कनेक्ट होऊंगा, यूएस की वेबसाइट्स या नेटफ्लिक्स एक्सेस करने के लिए, तो जितना मेरा डेटा लॉस हो रहा है उतना ही अप्रॉक्स आपका भी होगा। तो यहाँ तो रिव्यू देख लो या फिर उस वीपीएन को खुद यूज करके देख लो। यूजुअली वीपीएन के कुछ रिफंड पॉलिसीज रहती है, 15 दिन 20 दिन, तो उस टाइम पे आप लोग उसको यूज करके देख सकते हो कि आप लोगों को स्पीड मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगला फैक्टर है सर्वर्स को लेकर के। देखो, स्पीड सर्वर्स पे भी काफी डिपेंड करती है कि सर्वर्स उनके कहाँ कहाँ हैं। जितने ज़्यादा सर्वर्स होंगे उतना अच्छा होगा। सबसे पहले ये देखो जिस कंट्री में आप हो उसमें उनके कितने सर्वर्स हैं। जैसे अगर इंडिया में हो तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो इंडिया में अगर सिर्फ एक ही सर्वर है तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। लेकिन अगर 2-3 सर्वर है, मान लो एक चेन्नई में है, एक मुंबई में है, एक इंदौर में है, तो यहाँ पे 3-3 सर्वर्स हो गए, तो अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट पे जाओगे तो आप लोगों को अच्छी स्पीड मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग जिस भी पार्ट में रह रहे हो इंडिया के, अगर उसके आसपास सर्वर्स हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलेगी कंपेयर टू अगर वो कहीं दूर सर्वर्स हैं उसके। तो सेकंड ये देखो कि जहाँ जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे उनके सर्वर्स है कि नहीं है। दुबई में ट्रैवल कर रहे हो, दुबई में है कि नहीं है, यूके में है कि नहीं है, यूएस में तो डेफिनेटली होते ही हैं सबके, तो ये सारी चीज़ें भी चेक कर लो। तो जितने ज़्यादा सर्वर्स रहेंगे उतना अच्छा है, जितने आपके आसपास के सर्वर्स रहेंगे उतनी आपको रेगुलर स्पीड अच्छी मिलेगी। फिर आता है स्ट्रीमिंग। अगर आपको यूएस के नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम को एंजॉय करना है तो आपका वीपीएन को वो चीज़ सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोग उनके कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और हुलू जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज को वो सपोर्ट करता है कि नहीं। फिर आता है P2P, टॉरेंटिंग। हर वीपीएन P2P सपोर्ट नहीं करता है, हर सर्वर उनका P2P सपोर्ट नहीं करता है। तो आप लोगों को क्या देखना है कि जो आप लोगों के एरिया के आसपास है, मींस मैं इंडिया में रहता हूं तो इंडिया के जो सर्वर्स है क्या वो टॉरेंटिंग सपोर्ट करते हैं। और अगर आप लोगों कहीं बाहर की कंट्री के भी देखने हैं तो जितने आसपास की कंट्री हो, मान लो दुबई हो, तो क्या दुबई के सर्वर्स टॉरेंटिंग सपोर्ट करते हैं। क्योंकि यूएस के सर्वर्स से अगर आप लोग करोगे तो काफ़ी स्लो डाउनलोड स्पीड मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग अपने आसपास के सर्वर्स से करोगे तो फास्ट डाउनलोड स्पीड मिलेगी। अगला पॉइंट है लोकेशन और ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के। तो इससे पहले हम लोग इसे समझे, हमें पहले समझना पड़ेगा कि 5 आईज 9 आईज और 14 आईज कंट्रीज क्या होती हैं, क्यों हैं और कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो ये जो 5 आईज 9 आईज 14 आईज कंट्री है, ये कंट्रीज का अलायंस है जहाँ पे लोग अपना इंटेलिजेंस का डेटा आपस में शेयर करते हैं। सो ये जो सारी कंट्रीज है ये एक सर्वेलेंस रखती है अपने सिटीजन्स की ऑनलाइन एक्टिविटी के ऊपर कि कौन कौन सी वेबसाइट से लोग विजिट कर रहे हैं। एंड जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज आती हैं वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दे दूंगा, जैसे कि US, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो ये 5 आईज कंट्रीज हो गई। इसी टाइप से 9 आईज भी होती है और 14 आईज भी होती है। जो सबसे ज़्यादा आपस में जो जुड़ी हुई कंट्रीज है वो है 5 आईज, फिर जो थोड़ा लिमिटेड डेटा शेयर करते हैं वो है 9 आईज, और जो थोड़ा और लिमिटेड शेयर करते हैं वो है 14 आईज। इन सारी कंट्रीज के लिस्ट मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दे दूंगा। और अगर आप लोगों का वीपीएन इन कंट्री में बेस्ड है तो फिर आपके वीपीएन को फोर्स किया जा सकता है कि जो भी उनके पास डेटा है उसे वो लोग गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर लें। तो अब यहाँ पर आता है नो लॉगिंग पॉलिसी का रूल। तो नो लॉगिंग पॉलिसी क्या होती है? नो लॉगिंग पॉलिसी ये होती है कि जो भी वीपीएन है
वो अपनी तरफ से कुछ भी डेटा नहीं रखेगा आप लोगों का, कि आप लोगों ने कौन कौन सी वेबसाइट्स विजिट करी है, क्या क्या किया है, कितने टाइम तक आप लोग ऑनलाइन थे, आप लोगों की रियल आईपी एड्रेस क्या है। उसके लिए आप लोगों को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी। तो अब अगर उसके पास डेटा ही नहीं होगा वीपीएन वालों के पास, तो वो गवर्नमेंट को क्या देंगे? तो यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ें चेक करनी है। पहले तो क्या वो वीपीएन कंपनी 14 आईज में आती है कि नहीं आती, उन कंट्रीज में क्या वो वीपीएन बेस्ड है कि नहीं है। सेकेंड, उनकी लॉगिंग पॉलिसी क्या है, क्या वो कोई आप लोगों का डेटा सेव तो नहीं कर रहे हैं जिसके थ्रू आप लोगों को ट्रेस बैक किया जा सके। सो इन माय ओपिनियन, अगर आप लोग कुछ ज़्यादा सेंसिटिव डेटा के साथ काम कर रहे हो, तो ये जो 14 आईज वाली कंट्री है वहाँ के वीपीएन को अवॉइड करना और उनकी नो लॉक पॉलिसी चेक कर लेना कि क्या वो लॉक तो नहीं कर रहे हैं, कुछ डेटा वगैरह रख तो नहीं रहे हैं। और एक बार उनकी हिस्ट्री भी चेक कर लेना कि अगर उनके अगेंस्ट में कुछ कोर्ट केसेस वगैरह हुए हैं तो उन्होंने उसका कैसे रिस्पॉन्ड किया है। नाउ इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोगों का वीपीएन इन 49 कंट्री में है और अगर उनकी गवर्नमेंट उस वीपीएन कंपनी को बोल देती है कि आप लोगों को लॉग रखने पड़ेंगे एंड आप लोग पब्लिक को नहीं बता सकते कि आप लोग उनके लॉग रख रहे हो, आप लोगों को वो सीधे हमें देने पड़ेंगे, तो वो चीज़ वीपीएन प्रोवाइडर को फॉलो करनी पड़ेगी। एज पर द लॉज ये सारी चीज़ें उन्हें फॉलो करनी पड़ती है। नाउ ये चीज़ थोड़ी स्केरी लगती है लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है, तो आप लोग ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ सेंसिटिव डेटा हो तो आई विल से कि इन 49 कंट्रीज को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं इसके हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है। देखो वीपीएन कंपनीज बहुत बार ऐसा होता है कि लिखते कुछ और हैं और एक्चुअल में होता ही कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल आईपी वैनिश करके एक वीपीएन कंपनी 2016 में उन्होंने कुछ डेटा दिया था गवर्नमेंट को या फिर कुछ कोर्ट केस वगैरह हुआ था उसमें उन्होंने उनको डेटा प्रोवाइड किया था और उनकी पॉलिसी थी नो लॉक की। अब नो लॉक की अगर उनकी पॉलिसी है तो उन्होंने डेटा कैसे दिया? नाउ बाद में उस कंपनी को स्टैक पाथ ने एक्वायर कर लिया तो अभी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है वो, अभी काफी ज्यादा चेंजेस हो गए हैं एंड एज पर द ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अब किसी भी टाइप का लॉग नहीं रखा जाता है। उसी टाइप से एक्सप्रेस वीपीएन करके एक वीपीएन कंपनी, इनके अगेंस्ट भी कुछ कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह आए थे तो इन्होंने जो डेटा रिवील किया वो कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से जब हम लोग उसकी हिस्ट्री देखते हैं, कोर्ट केसेस वगैरह देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार वो वीपीएन एक्चुअल में अच्छा है कि नहीं है, क्या उसने कुछ लॉग्स रखे थे कि नहीं रखे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी पॉलिसी। जो प्रोटोकॉल यूज होना चाहिए वो होना चाहिए ओपन वीपीएन या IKEv2 और इसमें जो इंक्रिप्शन यूज होना चाहिए वो होना चाहिए 256 बिट का। तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा प्रोटोकॉल के बारे में, बस ये कुछ चीजें ध्यान में रखना। नाउ पेड वीपीएन अगर आप लोग ले रहे हो तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये स्टैंडर्ड चीजें रहती है जो आप लोगों को हर पेड वीपीएन में मिलती है। अगर मैं फ्री वीपीएन की बात करूं तो फ्री वीपीएन में कभी कभार ये नहीं आता है, वो लोग पीपीटी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं जो कि काफी अनसिक्योर है, लेकिन पेड वीपीएन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब कुछ एडिशनल फीचर्स भी होते हैं जो कि आप को देखने चाहिए, जैसे कि हो गया ऑटोमेटिक किल स्विच, मतलब आप एक वीपीएन सर्वर से कनेक्टेड हो, अचानक से उसका कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है तो उस टाइम पे आप लोगों का इंटरनेट बंद हो जाना चाहिए अगर आप लोगों के वीपीएन में किल स्विच का फीचर है तो उस टाइम पे आपकी वो आइडेंटिटी या फिर आपके रियल आईपी एड्रेस को रिवील नहीं करेगा और जैसे ही वो सर्वर वापस आएगा वो वापस से रिकनेक्ट हो जाएगा उसी सर्वर से। उसी टाइप से डीएनएस लीक करके होता है कि आप लोगों का वीपीएन कोई डीएनएस लीक तो नहीं कर रहा है, मतलब अगर किसी वेबसाइट पे वो विजिट कर रहा है तो वो आईपी एड्रेस वेबसाइट पे मांगती है तो उसे वो आप लोगों का रियल आईपी एड्रेस तो नहीं दे रहा है, उसके लिए डीएनएस लीक टेस्ट होते हैं तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। आप लोग रिव्यूज पे देख सकते हो या अगेन खुद भी उसे टेस्ट कर सकते हो। नाउ कुछ एडिशनल फीचर्स है जो आप लोग देख सकते हो जो मुझे काफी पसंद आते हैं, उसमें से एक फीचर है स्प्लिट टनलिंग का, मतलब आप किसी आईपी एड्रेस या फिर कोई पर्टिकुलर ऐप को व्हाइटलिस्ट कर देते हो कि वो बिना वीपीएन के जाए। अब ऐसा आप लोग क्यों करोगे? क्योंकि मुझे उस पर एकदम अपनी 100% स्पीड चाहिए एंड मैं एक सिक्योर कनेक्शन पे ऑलरेडी हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो वीपीएन के थ्रू जाए, तो उसके लिए मैं कुछ ऐप्स को व्हाइटलिस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि YouTube मैं नहीं चाहता कि वीपीएन के थ्रू जाए तो मैं सिर्फ YouTube को व्हाइटलिस्ट कर दूंगा तो YouTube मेरी ओरिजिनल आईपी एड्रेस के थ्रू जाएगा, बिना वीपीएन के जाएगा और जो बाकी सारे मेरे काम होंगे वो मेरे काम होंगे वीपीएन के थ्रू। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी इंटरनेट बैंकिंग है, मैं नहीं चाहता कि यार वो अलग अलग सर्वर से जाए एंड फिर उनको भी प्रॉब्लम हो कि यार ये किसी और सर्वर से आ रही है देन वो मुझसे टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगे, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी रियल आईपी एड्रेस से जाए, मेरे रियल सिस्टम से जाए एंड इसलिए मैं उसे भी वहाँ पे व्हाइटलिस्ट कर सकता हूँ। तो वो होता है स्प्लिट टनलिंग। उसके बाद मुझे एक और जो फंक्शन अच्छा लगता है वो है फास्टेस्ट सर्वर का। अब मान लो मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में यहाँ पे 3-4 सर्वर्स हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फास्टेस्ट है? मैं क्या चारों से कनेक्ट करके देखूँ? नहीं, मुझे एक ऐसा फीचर चाहिए जो मुझे बता दे कि यार ये फास्टेस्ट सर्वर है। आसपास में बहुत सारी कंट्रीज है, मुझे अपनी कंट्री से कनेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे अपनी आसपास की कंट्री से कुछ कनेक्ट होना है। अब कितनी सारी कंट्रीज है, कौन मुझे फास्टेस्ट सर्वर दे रही है, सिंगापुर दे रही है, दुबई दे रही है, मुझे नहीं पता। तो उसके लिए फास्टेस्ट सर्वर का एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो फास्टेस्ट सर्वर आपके प्लेस में एक तो फाइंड करके दे दे आप लोगों को ऑटोमेटिकली, देन आपके
साइड वाली कंट्री में जो है, जो भी है, जो आपके नियरेस्ट कंट्री उसमें दे दे, और मान लो मुझे यूएस के फास्टेस्ट सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, तो उसका भी ऑप्शन अगर मुझे वीपीएन में मिल जाता है तो वो एक अच्छा फीचर होता है। अगला फैक्टर है प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, क्या वो विंडोज, मैक, एंड्रॉयड, आईओएस और फायर टीवी स्टिक में अवेलेबल है कि नहीं है। इनफैक्ट उनका ब्राउजर एक्सटेंशन भी देख लेना कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर है यूजर एक्सपीरियंस को लेकर के, आप लोग उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख सकते हो कि इजी टू यूज है कि नहीं है। फिर आता है प्राइसिंग को लेकर के। नाउ प्राइसिंग में वीपीएन्स में ऐसा रहता है कि जो आपको मैक्सिमम जो सेविंग्स मिलती है वो या तो एक साल के प्लान में रहती है या दो साल के प्लान में रहती है। फिर वो लोग जो रिफंड पॉलिसी देते हैं, कोई 7 दिन की देते हैं, कोई 15 दिन की देते हैं, कोई 30 डेज तक की दे देते हैं। उसके बाद जो इसके रिन्यूअल चार्जेस रहते हैं किसी किसी वीपीएन में, वो ज़्यादा हो जाते हैं। नाउ रिन्यूअल चार्जेस के लिए आप लोगों को ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग दूसरी ईमेल आईडी से फिर से बना सकते हो, आप लोगों को कुछ मेजर यहाँ पे शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, अनलाइक होस्टिंग। फिर लास्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो है पेमेंट ऑप्शंस को लेकर के, क्या वो क्रेडिट डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करता है, क्या वो इंटरनेट बैंकिंग एक्सेप्ट करता है, क्या वो आप लोगों का गूगल पे, अमेजोन पे एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप लोगों को अनोनिमस पेमेंट करनी है तो क्या वो बिटकॉइन वगैरह एक्सेप्ट करता है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि पेड वीपीएन लेते समय हमें ध्यान में रखने चाहिए। अगेन मैं बेस्ट वीपीएन की लिस्ट ले आऊंगा इस चैनल पर, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थम्स अप दे दीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।